अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप सेबी आए मिलने के लिए, टीएमसी के कई और सांसद साथ में थे, क्या कुछ बातचीत अंदर हुई, कितने लोग आप साथ? उन्होंने सेबी जी क्या काम करती है, किस तरह से सेबी सर्विस सेवा दे रही है और अच्छी अच्छी सेवा सब बताया। हमने बोला सेवा दे रही है तो तुम्हारा ये भी कर्तव्य बनता है कि लोग अगर कहा अपने पैसे डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो घाटे में गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और पहले तो ये था कि कुछ गिने चुने लोग स्टॉक मार्केट में रहते थे, अब तो कॉमन आदमी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ऐसी स्थिति में आप इस तरह से बर्ताव करके 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, लोगों का नुकसान हुआ है, तो जांच करनी कि नहीं करनी? तो क्या जो हुआ, और उसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया, देश के होम मंत्री ने, मिनिस्टर ने अपील किया, कहा कि पैसे आप इन्वेस्ट करो, उसका परिणाम क्या हुआ? आखिरी सवाल, एनडीए में अब शिवसेना अपने आप को बड़ा भाई बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी के सामने, क्या लगता है कि ये बड़ा भाई छोटा भाई हमारे दिल में भी नहीं आता, हम भाई है बस। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, शिंदे की शिवसेना बीजेपी में अपने आप को बड़ा भाई बताने, शिंदे की शिवसेना अपने आप को बड़ा भाई के बारे में बोलना ही नहीं है। असली शिवसेना पता चला ना अभी चुनाव में, तो पता चला, सबको पता चला, खासकर इलेक्शन कमिश्नर को पता चला कि पूछो भाई। कमिश्नर गजानन के साथ सूरज झा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।